सभी सुनने वालों को राजुल का और मंजरी वर्मा का प्यार भरा रंगों भरा नमस्कार। और पता है मुझे ये लग रहा था कि अभी जो जिस तरह के हम लोग बातें कर रहे थे ना, और जिस तरह के उसमें थी, तुम मूड में थी, तो मुझे लग रहा था कि अभी जैसे ही माइक ऑन होगा तुम तुरंत जोर से चिल्लाओगी होली है। बिल्कुल, मन तो मेरा ऐसे ही था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, पहले नमस्कार कर लेते हैं, बौछार कर देते हैं। तो भाई राजुल जी, देखिए आज सभी लोग सुबह से होली खेल रहे हैं, रंग अबीर गुलाल से कोई खेल रहा है, तो कोई गीले पानी से बाद में खेलते हैं, तो हम दोनों की तरफ से भी सभी लोग रंग लगा लें। हाँ, पसंद आए, है ना? बिल्कुल रंग लगा लें, और रंगों के साथ जो एक शुभकामनाओं की बौछार है उसमें भी जरा बोर हो लें, क्योंकि होली जो है वो सिर्फ रंगों के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारी अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ भी जुड़ी हुई है। नहीं, प्रेम की भावना, मित्रता की भावना से एक साथ जुड़ी होती है। तो भाई आज के दिन तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब ये भाई अगर आज शुभकामना ही देते रहेंगे तो हम, ये भी तो बात है ना कि आज हम कर क्या क्या रहे हैं ये नहीं बताओगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए भाई होली खेलेंगे तो होली की बात करेंगे और अपने आज के अनुभव भी साझा कर सकते हैं, होली में कैसे, मतलब आज क्या क्या किया, सबने क्या क्या खाया वो भी बता सकते हैं, और उसके बाद रंग छुड़ाने के तरीके भी होंगे, है ना, क्योंकि सबने कैसे कैसे रंग छुड़ाए और कुछ तरीके हम बताएंगे, है ना। अरे अब तक छूट गया होगा, अगर ना हाँ। छूटा हो तो भाई राजू जी रंग तो पूरे तरह से तो छूटता नहीं है, तो जो बचा खुचा है उसको इन तरीकों से छुड़ा लेंगे, है ना। और आज कथा सुधा की बात करेंगे हम लोग, तो आज कथा सुधा में हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? पट्टा बनेठी, भगवती चरण वर्मा की कहानी है इसके, इसको मतलब सब लोग सुनेंगे मिल करके, और साथ में आज क्या बात होगी, कौन से नियम लगाएंगे? भाई यातायात के नियम जो हैं उनका पालन होली में जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये होली का मौसम आता है तो ये अपनी मस्ती में सब खोए रहते हैं, अपनी खुशी में सब खोए रहते हैं, उत्साह में डूबे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सड़क पे चलते हुए सावधानी भी बरतनी चाहिए। बिल्कुल तो, बरतनी चाहिए, बल्कि हर दिन ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कैसे सड़क पर अपने सवारी को निकालना है, चलना है और ध्यान रखना है, है ना। और होली की तो बात ही बात है, बात ही बात है, तो गीतों से शुरू कर देते हैं ना। हाँ। बात ठुमक नाचे मेरी प्रीत अधीरा, मेरी प्रीत अधीरा, लाल गाल भये और लाल लाल, और लाल लाल, जी हो, मारे शर्म के है गोरी का बुरा हाल, जी हो, दिन होली का गया रंग डालो, जी हो, दिन होली का गया रंग डालो, जी हो, कहती सारा
न जा पाए ऐसा मलो होए होए ऐसा मलो रंग पूरे बरस याद आए पूरे बरस याद आए तो राजुल जी देखिए होली जो है वो रंगों का त्यौहार तो है ही, तो हमारे सभी श्रोताओं ने कुछ ना कुछ संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उसमें से एक संदेश हम पढ़ते हैं कि होली आई सतरंगी रंगों की, रंगों को मिलाकर पानी में सतरंगी नदियां बहाई हैं, दिलों को दिलों से जोड़ने रंगों भरी होली आई है, भूल जाओ अब सारे गम खेलो होली के सब रंग, कोई बचकर ना जा पाए क्योंकि सबसे सतरंगी होली आई है, सभी के जीवन में खुशियां लाई है। वाह क्या बात है। और देखो ना जी, होली की बातें हो रही हैं, प्रकृति ने इतने रंग बिखेर दिए हैं, पीली सरसों, खिलते टेसू, बौरायाम, और मतलब मस्ती का आलम है, फाग के स्वर है, बहती हवाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच में होली का क्या मतलब है? ये इस संदेश में हमारे एक साथी ने लिखा है, होली होलिका तो जल गई, अभी कली जली और आज लोग रंग खेलकर उत्सव मना रहे हैं, सोचिए ऐसा क्या है जो दहन के पश्चात भी शोक नहीं अपितु उत्सव मना रहे हैं। जी हाँ, जलाइए जी भर कर जलाइए, कल आज ही नहीं अपितु जीवन के हर पल में ही खूब अच्छी तरह जलाइए, लेकिन उन्हें जो आपको बांधते हों, लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें नहीं जो आपको आराधते हों, हाँ उनके क्रोधात्मक आवेश में भी छुपे संदेश को पहचानिए, कुछ है उनमें, फिर क्रोध भी कोई अनायास ही किसी पर नहीं करता है, अपने ही अपनों पर क्रोध करते हैं, यदि कोई ऐसा करता है फिर तो होली की सार्थकता है, अन्यथा पर्व तो सभी मना रहे हैं। क्या बात लिखी है। और देखिए इसी तरह एक ने लिखा है कि कल होलिका दहन में सब बुराइयों और दुखों को जलाकर आज सारा जहान खुशियों और अच्छाइयों के रंग में एक दूसरे को सराबोर कर रहा है, यही प्रेम और मैत्री का रंग सदा के लिए ही चढ़ जाए तो क्या बात है, वैसे हम लोग तो विविध भारती के संग इस रंग में सदा के लिए रंगे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, हम भी रंगे हुए हैं आपके रंग में। एक और संदेश है, उन्होंने अपने यहाँ की एक प्रथा लिखी है कि जिस दिन रंग खेला जाता है उस दिन हमारे घर में तो चाचा जी और पिताजी चंदन का तिलक लगाते थे, गेंदे के फूल से माथे पे लगाया जाता है वो, और कहीं कहीं पर इत्र भी लगाते हैं, ऐसे कलाइयों पर इत्र लगाकर पैर छूते हैं, तो गुलाल लगाकर लिखा है हमारे साथी ने लिखा है। बिल्कुल भाई, तो यही है, सब बच्चों की तो धूम रहती है, उनको तो पानी से होली खेलने में ज्यादा मजा आता है, पिचकारी और पानी, लेकिन ये जो छोटी छोटी परंपराएं जुड़ी है, हम विशेषकर ये आज होली की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ हमारे जीवन के का जो हमारे जीवन का जो असली अर्थ है उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, कि बड़ों को सम्मान देना और छोटों को संग लेकर चलना। बिल्कुल, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें सब बराबर से हो जाते हैं, बड़ा चाहे कोई छोटा हो, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, तो यानी कि रंगों के संग में जो खुशियां आपस में बढ़ती हैं उसका जो एक अनुभव होता है वो बहुत ही मन को भाता है। और जब प्रकृति की बात आपने करी थी ना, तो जो पीला अमलतास है, नई कोपलों का झांकना शुरू हो जाता है, और जो पीपल के पत्तों का घुंघरियों की तरह बज उठना, और हवा से बातें करना, और दूर खेतों से आती हुई मिट्टी की सुगंध और फसलों की महक, और भाई महुआ जो होता है वो भी अपनी खुशबू बिखेर देता है इन्हीं सबके संग में, और इतने प्यारे मौसम में राजुल जी होली का त्यौहार जो है रंगों की बौछारी जब आता है तो बस एकदम सारी तरफ ऐसा मन बस तुम रंगों की बौछार की बात करती रहना, मेरा बस चले तो अभी रंग आपके ऊपर डाल ही दे। अच्छा तो व्यंजनों की मिठास की बात कौन करेगा, कैसे महक उठते हैं घर भाई, कहीं गुजिया बन रही है, मटरी कांजी, अच्छा हमारे साथियों ने क्या बनाया होगा, हाँ, कुछ ये भी तो बनाया है तो बताएं हमें जरूर से क्या बनाया है। और अबीर गुलाल से लेके सब कुछ होता है, फूलों की भी होली होती है। अब अगर जब बात होली की होती है तो बहुत सी जगहों पे खास अंदाज में मनाई जाती है होली। बिल्कुल खास अंदाज में मनाई जाती है, लेकिन जैसे हम बच्चों हैं या बड़ों की बात करें तो बच्चे भी देखे ना पिचकारी, कितने रंग बिरंगी पिचकारी बाजार में लेके आए हैं, खरीदते हैं सब, और खूब रंग बना बना के बाल्टी में ड्रमों में भर भर के पिचकारी एक दूसरे पर डालते हैं, तो उसका भी अपना मजा है। और जब हर जगह की बात आती है तो बस हमारा मन जो है बरबस मथुरा वृंदावन में
जा करके एकदम से रम जाता है। और भाई अयोध्या में भी तो जमकर होली मनाई जा रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान के जालौर के आहोर में पत्थर मार होली खेली जाती है और यहाँ पर लोग ढोल और चंग के साथ भी होली खेलते हैं। मतलब होली होती भी है और साथ ही साथ ढोल और चंग भी बजता रहता है। उसके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा जब तक इन सब के स्वर नहीं मिलेंगे। और जब होली के गीत होते हैं तो भी मजा आ जाता है। और कुछ जगहों पर राजुल जी होली पर जलसा होता है तो कुछ स्थानों पर जुलूस भी निकाला जाता है। और भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में लठमार होली तो होती है। यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर और वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में होली का जश्न जो होता है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, लड्डू और छड़ीमार होली कैसे भूली जा रही हो, तो जो बरसाने में होती है। मतलब हाथ में ढाल और एक हाथ में लाठी होती है, तो क्या बात होती है। कर्नाटक में भी हम्पी शहर में होली के त्योहार को उत्सव की तरह मनाया जाता है और यहाँ पे ढोल नगाड़ों की थाप पर जुलूस निकलते हैं, नाचते गाते हैं लोग और बाद में तुंगभद्रा नदी और अन्य नदियों में स्नान करने जाते हैं। तो केरल राज्य में भी ऐसा ही होता है, क्या होता है बताओ। वहाँ पर मंजुल कुली और उक्कुली के नाम से इसको मनाया जाता है और प्राकृतिक तरीके से होली का त्यौहार यहाँ पर मनाते हैं। और होली का जो त्यौहार है उसमें जो प्रकृति से जो फूलों से भी रंग बनाकर होली खेली जाती है तो उसकी भी तैयारी काफ़ी पहले से सभी लोग करने लग जाते हैं। बिल्कुल, होली का त्यौहार रंगों से भरा हो और उस पर कवियों की रचनाओं का उपहार हो तो क्या कहना। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। केसर की कली की पिचकारी, केसर की कली की पिचकारी, पात पात की गात सवारी, राग पराग कपोल किए हैं, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती ज्योत उदोत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी। क्या बात है, केसर की कली की पिचकारी, पात पात की गात सवारी। कितनी सुंदर कविता। और इसी कविता के साथ तो हम लोग एक गीत का आनंद ले लेते हैं ना। हटी लो गोरी चोली पे पीलो रंग डारंगे।
तो देखिए राजन जी, हम लोगों ने पूछा था ना कि सबने क्या क्या खाया, क्या क्या बना है, तो हमारे साथियों ने भी लिख दिया है। तो एक लिखते हैं कि आज हमारे यहाँ गरम गरम मालपुआ बना है, वही बना भोग लगा नन्हे मुन्ने कान्हा को। क्या बात है। अच्छा सुनो भाई, मालपुआ तो बना है, एक कहीं पर दही बड़ा भी बना है। तो सुबह से होली खेलने के बाद से ही दही बड़ा खाया जा रहा था और आप हम लोग को भी याद किया जा रहा था, तो खाते खाते दही बड़ा सरक गया। क्या बात, मेरे पास तो आया नहीं, नहीं समझ में आया राजू जी, यहाँ तो आया नहीं है ना। यहाँ नहीं आया, नहीं आया भाई। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं सरक गया होगा। खाइए दही बड़े का स्वाद लीजिए और हाँ ऐसे वो जो मिठास घुले वो आपके जीवन में आपके आस पास बिखरे, यही हमारी शुभकामना है। अच्छा सुनो ना, होली के साथ कितने सारे अनुभव भी तो होते हैं। बिल्कुल, साथी ने कहा है कि मैं बचपन में मोहल्ले की टोली के साथ छोटी पिचकारी लेकर जाती थी, फिर रगड़ रगड़ कर नहलाई जाती थी, उसके बाद तो खाना खाने के बाद जो नींद आती थी कि कुछ होश नहीं रहता था, वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं। बिल्कुल सही बात है राजुल जी, जब होली खेल लो ना तो वैसे ही बहुत नींद आती थी, लगता बस सोते रहो, फिर सीधा शाम को ही उठा जाता है, तब कहीं अपना मिलने विलने जाने का वो बनाया जाता है प्रोग्राम। और देखिए एक और लिखते हैं कि भाई स्पेशल मिठाई घेवर, हम लोग तो सिंधी स्पेशल मिठाई घेवर खाते हैं जिसका स्वाद ही निराला होता है, आइए कभी आप लोग तो आपको भी परोसेंगे, पर ये मिलते सिर्फ होली के दिनों में ही है, काश ये भी सरक गए होते तब दही बड़े जैसे नहीं आए मंजरी तो फिर ये घेवर कैसे आ जाते, मतलब तुम काश लगा दिया कह रही हो ना। होली में थोड़ी हंसी ठिठोली भी की जाती है, सब हमारे साथी लोग जानते हैं तो उन्हें पता है कि हाँ मंजरी जो है वो ऐसी कर रही है थोड़ी नहीं नहीं चश मान जाएंगे तो फिर दही बड़ा खाने का चांस खत्म हो जाएगा। हम तो तुम्हें सिर्फ ये याद दिला रहे हैं। देखिए कहीं पर गुलाब जामुन और दही बड़े बने हैं, मतलब तरह तरह की चीजें बनी है। क्या बात है। और भाई एक लिखते हैं कि अर्ज किया है होली उसकी जिसकी तू होली। क्या बात यानी अपना सब अपनी तरह से लिख रहे हैं। और एक लिखते हैं कि मुझे बचपन की होली याद आती है, जब इतने संसाधन नहीं थे, लाल और पीले रंग बड़े बड़े बाल्टी में घोल दिए जाते थे और सभी के घरों में जाकर बस वहीं लाल पीले रंग एक दूसरे पर डालते थे, कभी कभी पिचकारियाँ भी रहती थी और हम बच्चे बड़े बड़े आलू काट कर उस पर कुछ लिख कर कोई आकार बनाते थे, उसे रंगों में कर चेहरे पर ठप्पा लगाते थे और घर पर जाने पर मीठे शकरपारे और घर के बने पकवान पापड़ से स्वागत किया जाता था। शाम को लोग नए कपड़े सफेद पुरुष वर्ग कुर्ता पैजामा मलमल का और महिला वर्ग सफेद साड़ियां जिसे पीले रंग और अभ्रक के साथ रंगा जाता था और हम सभी ज्यादातर सफेद और हल्के रंग के कपड़े ही पहनते थे क्योंकि गर्मियों के दिनों की शुरुआत हो जाती है। होली आज भी है, सब कुछ वही है, पर कुछ कुछ चीजें बदल गई हैं जिनकी याद बहुत आती है। खुशहाल होली, सुरक्षित होली। सही बात, सुरक्षित होली बहुत जरूरी है भाई, उसकी बात करनी है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि आज बच्चों को देख के बहुत मजा आ रहा था, सब होली खेल रहे थे और एक छोटी बच्ची खूब बड़ी सी पिचकारी पानी की बाल्टी में डुबाती और सब पर निशाना करती, उसको पिचकारी को भरने के झमेले से कोई सरोकार नहीं था, मतलब मतलब उस पिचकारी में रंग आया नहीं, भरा नहीं उसने, है ना। हाँ, भरा कि नहीं भरा या कितनी उसमें मतलब उस ताकत लग रही है, कितना जरा सा रंग आता है और इतनी सारी बच्ची छोटी बच्ची लगा रही है ताकत, वो सब भूल कर बस वो उसी में। वैसे सच में बच्चों का आनंद कुछ और होता है और हम भूल जाते हैं वो बात, लेकिन फिर जब बच्चों को देखते हैं तो आपको अपने बचपन याद आ रहा है, आपने होली पर क्या किया बस यही सब किया जो हम आज हमारे साथी साझा कर रहे हैं। तो राजुल जी, हम तो अपने बचपन में पहले से डिक्लेयर कर देते थे कि अब इस बार होली नहीं खेलनी, होली नहीं खेलनी। हाँ। और सोते समय सबसे पहले रंग भी लगाते थे तो सब लोग मेरी आदत जान गए थे कि इस तरह से इसकी होली होती है। तो बचपन में सब बच्चे अपनी अपनी तरह से होली खेलते हैं, उसका अपना मजा होता है, लेकिन अपनी अपनी तरह से होली खेलनी चाहिए। लेकिन होली के जो रंग होते हैं ना, उन्हें छुड़ाना भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप उसकी भी बात कर सकते हैं, छुड़ाने के लिए तरीके भी अपना सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे बेसन दही मिला करके उसका उपटन बना लेते हैं, थोड़ा सा उसमें नारियल का तेल डाल लेते हैं तो उसको लगा के रगड़ के आप उपटन को छुड़ा सकते हैं। 10-15 मिनट आपने अपने त्वचा पर रगड़ा, फिर गर्म पानी से धो लिया। हाँ। तो ये भी एक तरीका है कि हम मूली का रस है उसमें दूध और बेसन या मैदा मिलाकर पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं, और दही और हल्दी का आटा
ये तो बहुत ही एकदम पुराना पेटेंट नुस्खा है सभी लोग बनाने का, बिल्कुल। और इसी अच्छा सुनो, हमारे हाँ। एक साथी ने मतलब बहुत सारे टिप्स भेजे हैं। अच्छा, तो बेसन और गुलाब जल का मास्क इन्होंने भेजा है कि बेसन में गुलाब जल और दूध मिलाकर एक मास्क तैयार करें और उसे स्किन पर लगाएं। 5 मिनट के बाद हल्के साबुन से अपना चेहरा धो लें, इससे आपके चेहरे का रंग उतर जाएगा। अगर आपकी त्वचा पर ज्यादा रंग लग गया हो तो 2 चम्मच जिंक ऑक्साइड और 2 चम्मच अरंडी का तेल लगाकर मिलाकर लेप तैयार कर लें और उसे चेहरे पर लगाएं। फिर स्पंज से हल्के हाथों से रगड़कर चेहरा धो लें और 20-25 मिनट बाद साबुन लगाकर चेहरा धोएं। आपकी त्वचा का रंग उतर जाएगा। क्या बात है। और देखिए मतलब जो बहुत बीहड़ रंगों की बात की, हाँ, बीहड़ क्योंकि उसमें जिंक भी जिंक की बात हुई है, तो ये भी देखना है ये राजू जी कि सबकी त्वचा पर कोई चीज सूट करती है नहीं सूट करती। किसी को बेसन नहीं सूट करता है, किसी को दही नहीं सूट करता। इसी तरह आप संभल के मतलब जो भी नुस्खे हैं उनको आप संभल के ही अजमाएं। बिल्कुल। और जैसे अभी है दूध में थोड़ा सा आप कच्चा पपीता पीस कर उसका पेस्ट मिला लें और मुल्तानी मिट्टी और बादाम का तेल मिक्स करके इसको लगाएं, तो ये भी पपीता क्योंकि फल है और दूध है तो इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और देखो ये भी है कि नहाने के पहले ग्लिसरीन और गुलाब जल को एक साथ मिलाकर लगा लें, कुछ देर बाद हल्के निचाए पानी से मतलब चेहरा धोने से कलर उतर जाएगा। मतलब शायद गर्म पानी की बात कर रहे हैं उससे। और इसी के साथ साथ हम जौ का आटा होता है ना राजुल जी, उसमें बादाम का तेल मिलाकर भी लगाया जा सकता है, त्वचा के लिए अच्छा रहता है। और अगर आपने संतरे के छिलके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मसूर की दाल और बादाम के पेस्ट के साथ मिला करके आप उसका एक पेस्ट बना लीजिए, उसको उससे भी आप रंग छुड़ा सकते हैं। क्या बात है। और हमारे एक साथी ने भी लिखा कि नहाने के बाद नारियल का तेल लगा लीजिए बदन पे, तो त्वचा में जो नमी है मॉइस्चराइजर वो आपका रहेगा बिल्कुल एकदम प्राकृतिक और आपका रूखी नहीं होगी त्वचा। भाई ये सब तो है लेकिन गाना भी है, तो गाना सुन ले।
मंजरी अभी एक छोटे से अंतराल का वक्त हो चला है, तो अंतराल के बाद हम फिर आते हैं जी। तो छोटा सा अंतराल अब हुआ समाप्त और हम लौट आए हैं सखी सहेली में, मैं राजुल और मंजरी वर्मा। तो अब क्या किया जाए, सुधा की कहानी को सुना जाए। सखी सहेली में सभी इंतजार कर रहे हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में प्रस्तुत है आज कहानी पटा बनेठी, हिंदी साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की हास्य कहानी पटा बनेठी। सुनने से पहले श्रोताओं आपको बता दें, पटा बनेठी क्या है। बनेठी लंबी लाठी को कहते हैं जिसके दोनों सिरों पर गोल लट्टू लगे रहते हैं। इसका व्यवहार पटेबाजी के अभ्यास और खेलों आदि में होता है और इस खेल को पटा बनेठी कहते हैं। लेखक ने इस कहानी की नायिका को इस खेल में सिद्ध हस्त दिखाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवती चरण वर्मा की किस्सा गोई का शिल्प ऐसा अनूठा होता है कि घटनाएं और पात्रों के हाव भाव हमारे सामने साकार हो उठते हैं और हास्य कहानी के पुट के कारण कहानी और रोचक हो जाती है। इस कहानी में ये बताया गया है कि दुनिया में स्त्री है पुरुष है, यानी ये दोनों हैं और बिना एक के दूसरे का काम नहीं चल सकता। कहानी में पति पत्नी के संबंधों को अत्यंत रोचक ढंग से चित्रित किया गया है। कहानी में एक और विद्यार्थी है जिसके मनोभाव को भी दर्शाया गया है। विद्यार्थी का विवाह तय है और वो अपनी भावी सहचरी से विद्यालय के सालाने जलसे में मिलता है। उसके अप्रतिम सौंदर्य से मुग्ध होता है, उसके पटा बनेठी के प्रदर्शन से प्रभावित होता है, लेकिन उसकी बहादुरी और साहस को देखकर उसके छक्के छूट जाते हैं, घबरा जाता है और एक पत्र के माध्यम से अपने भावी श्वसुर को अपना निर्णय सुनाता है। ये निर्णय क्या होता है, क्या दोनों का विवाह होता है, जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी पटा बनेठी। उस दिन मैं फंसी गया, लेकिन अगर महज इतनी सी बात होती तो मुझे इतना दुख ना होता। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी वजह से एक बनने वाली गृहस्थी छूट गई, एक बसने वाली दुनिया उजड़ गई। बात यूं हुई कि मैं उस दिन घर में लड़ पड़ा था। लड़ाई किस बात पर हुई थी ये तो इस समय याद नहीं, लेकिन हाँ लड़ाई जरूर थी और प्रथा के अनुसार मैंने अपनी श्रीमती जी के तर्कों का उत्तर अपने हाथों से दिया था। मैं जानता हूं कि मेरी यह हरकत सभ्य समाज में बुरी समझी जाएगी, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इन अवसरों पर खुजली मेरे हाथों को नहीं होती, वो श्रीमती जी के गालों को होती है। बहरहाल मैं बरामदे में बैठकर सोचने लगा, पुरुष पुरुष है,
स्त्री स्त्री है, और दुनिया में स्त्री है पुरुष है, यानी ये दोनों हैं, और बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता। तो जो कुछ है वो है, यानी यानी सिनेमा चलने का समय हो रहा है, निहायत शानदार पिक्चर लगी है, और चाय चाय अभी तक नहीं मिली। अपनी इस बेहुदा हरकत के बाद चाय का अनशन घर में करना पड़ेगा। खैर चाय तो बाजार में किसी होटल से भी पी जा सकती है, और सिनेमा तो देखना ही है, पिक्चर का आज आखिरी दिन है। लेकिन पैसे वो तो श्रीमती जी के पास है, महीने की तनख्वाह है, और तनख्वाह मिलने के दिन ही वो कब्जा कर लेती हैं, और फिर मुझे हर एक खर्च की कैफियत देकर उनसे पैसा मांगना पड़ता है। मेरे लिए ये सुविधाजनक है, क्योंकि अगर तनख्वाह मेरी जेब में हो तो यार दोस्त 10-5 दिन में ही रकम वसूल कर ले जाएं। तो भला बताइए, उस वक्त अपनी श्रीमती जी से पैसे मांग सकता था? अभी तक आप मेरी श्रीमती जी को जानते नहीं हैं। श्रीमती जी स्त्री हैं, और स्त्री स्त्री है, और पुरुष पुरुष है। लेकिन यकीन दिलाता हूं कि मुझे उस समय पंडित त्रिवेणी लाल का आना जरा भी नहीं अखरा। पंडित त्रिवेणी लाल मेरे मित्र हैं, लेकिन ना जाने क्यों इधर कुछ दिनों से मुझे उनकी शक्ल देखते ही कुछ अजीब सी उलझन होने लगती है। वो वकील हैं, या यूं कहिए कि वो वकील थे तो बेजा ना होगा, क्योंकि आजकल वो वकील नाम मात्र के हैं, नेता और समाज सुधारक वे सबसे पहले हैं। और नेता और समाज सुधारक, इन दोनों से ही मैं बहुत घबराता हूं, क्योंकि तन मन धन इनमें ये पहले को छोड़कर बाकी दो को वसूल करने की कोशिश किया करते हैं, यानी मन वसूल कर लेते हैं दिमाग चाट कर, और धन वसूल कर लेते हैं चंदा मांग कर, और कभी कभी इस अपेक्षित तन को भी ऊब कर मन और धन के साथ एक चपत के रूप में देने की तबीयत होती है। लेकिन ऐसे अवसरों पर मैंने बड़े ही संयम से काम लिया है। हाँ, पंडित त्रिवेणी लाल एक महिला विद्यालय के सेक्रेटरी के रूप में समाज सुधारक हैं, और हिंदू महासभा के सेक्रेटरी के रूप में नेता हैं। नमस्कार रमेश यार, कैसे हो? अरे त्रिवेणी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? अरे कैसे आना हुआ भाई? तुम तो जानते हो, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हम दोनों आमने सामने बैठ गए, और पोर्टफोलियो से उन्होंने एक रसीद बुक निकालते हुए कहा, हाँ रमेश, मैं इधर आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं, एक थोड़ा सा काम है। और तुमको एक थोड़ा सा कष्ट देना था। त्रिवेणी, ये तो मैं रसीद बुक देखकर ही समझ गया, लेकिन साफ साफ बतला दूं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरी सारी अमानत श्रीमती जी के पास रहती है, और वो कोप भवन में है, तो अगर उन्हें समझा सकूं तो उनसे 10 रुपया वसूल कर लो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, 5 रुपया तुम ले लेना और 5 रुपया मुझे दे देना। अरे भाई, सिनेमा जाना है। मैं जानता था कि 10 रुपये क्या त्रिवेणी लाल जी मेरी श्रीमती जी से 10 पैसे भी वसूल नहीं कर सकते, लेकिन मैं त्रिवेणी लाल की हिम्मत का कायल हो गया। चौखट पर खड़े होकर उन्होंने तो आवाज ही देनी शुरू कर दी, अजी भाभी जी, अरे भाभी जी कहाँ हैं आप? अरे मैं आया हूं त्रिवेणी लाल। त्रिवेणी तब तक आवाज देते रहे जब तक आंसू पोंछकर मुंह धोकर और साड़ी बदलकर श्रीमती जी बरामदे में नहीं आ गई। उनके आते ही त्रिवेणी लाल ने कहा, भाभी जी भाभी जी, अगले सप्ताह महिला विद्यालय का सालाना अधिवेशन मनाया जाएगा, तो उसी के लिए मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने आया हूँ। और ये देखिए जी, और आपको चंदा चाहिए इसलिए मुझे निमंत्रण मिल रहा है, लेकिन अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं 1 पैसा नहीं दूंगी। वैसे मेरा कहना तो ये है कि महिला कॉलेज बिल्कुल बेकार की चीज है, स्त्री को पढ़ा लिखा के क्या होगा? हा? क्या होगा, उसे तो पुरुषों की गुलामी करनी ही पड़ेगी, उसके अत्याचार सहने पड़ेंगे।
मैं एक पैसा ना दूंगी चंदे में। हाँ मैं कह देती हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन पंडित त्रिवेणी लाल इतनी आसानी से पराजित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा, भाभी जी, अरे भाभी जी, पहले आप मेरी बात तो सुन लें, तब अपना निर्णय दें। श्रीमती जी को बैठ जाना पड़ा। भाभी जी, बात यूं है, इसमें कसूर शिक्षा का नहीं है, बल्कि स्त्रियों की असहाय अवस्था का है। पुरुष स्त्री पर अत्याचार करता है कि स्त्री निर्बल है। अगर स्त्री सबल हो जाए तो उसके रग पुट्ठे मजबूत हो जाएं, तो फिर देखें कि कोई पुरुष स्त्री पर कैसे अत्याचार करता है। और देखिए भाभी जी, भारतीय स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई है। दिन दहाड़े गुंडे उन पर प्रहार करते हैं और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती। और इसीलिए मैंने महिला विद्यालय में बालिकाओं के लिए व्यायामशाला खोली है। व्यायामशाला? महिलाओं के लिए व्यायामशाला? जी हाँ, व्यायामशाला। और यही नहीं, लड़कियों को तलवार चलाना और लाठी चलाना भी सिखाया जाएगा। रमेश, अरे सरकार से लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, जल्दी उन्हें बंदूक और राइफल चलाना भी सिखाया जाएगा। और हाँ भाभी जी, आपको तो आना ही पड़ेगा। हाँ। देखिएगा कि हम स्त्री को क्या से क्या बना रहे हैं। मजाल है कि हमारी हिंदू घर की देवियों पर अब गुंडे हमला कर सके। हमारी वीरांगनाएं देश का गौरव बनेंगी। हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मीबाई यहां पर पैदा होंगी। इस तरह से पंडित त्रिवेणी लाल जी के लेक्चर का असर पड़ा। हम दोनों साथ साथ घर से चले। सड़क पर जाकर 5 रुपये उन्होंने मुझे दिए और 5 रुपये खुद लेकर उन्होंने कहा, रमेश देखो आना जरूर, तुम्हें व्याख्यान भी देना होगा। हाँ आना जरूर। मेरे एक मित्र हैं, मित्र के एक सुपुत्र हैं। मित्र पहले कभी बड़े जमींदार थे, अब उनके पास बहुत बड़ा फॉर्म है और उनके सुपुत्र एमए के विद्यार्थी हैं। ये सुपुत्र मुझे बहुत मानते हैं क्योंकि साहित्य में उन्हें बहुत दिलचस्पी है और वो मुझे चचा कहते हैं। एमए का इम्तिहान देकर ये इलाहाबाद से अपने पिता के फॉर्म पर लौट रहे थे तो 2-1 दिन के लिए मेरे यहाँ उतर पड़े। 2 महीने बाद इनकी शादी होने वाली थी और जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो यहाँ महिला विद्यालय में ही पढ़ती थी। और मैं समझता हूँ कि ये हजरत अपनी होने वाली बीवी को देखना भी चाहते थे क्योंकि बात बात में इन्होंने इसका इशारा मुझसे किया था। यहाँ थोड़ा सा अपने भतीजे के संबंध में और बतला देना उचित होगा। कसरती बदन, हृष्ट पुष्ट जवान, फुटबॉल कैप्टन, और पता नहीं फुटबॉल का कैप्टन बने रहने के लिए या स्वयं में दिमाग की कमी होने के कारण ये 3 साल से एमए पास होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाप लखपति आदमी, वो सुपुत्र से फॉर्मिंग कराना चाहते थे, लिहाजा उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं थी कि बेटा इम्तिहान पास करे ही। कह दिया करते थे, अभी खेलने खाने की उम्र है, कर लेने दो मौज, आखिरकार करनी पड़ेगी खेती ही। महिला विद्यालय के सालाना अधिवेशन के दिन श्रीमती जी, मैं अपने बच्चों और नौकर के अपनी समझ में 10 रुपया देने वाली सम्मानित महिला की हैसियत से दोपहर के बाद ही महिला विद्यालय में पहुंच गई। निर्धारित समय पर मैं भी अपने भतीजे के साथ वहां पहुंचा और हम दोनों सबसे आगे बैठलाए गए। कार्यवाही आरंभ हुई, वंदे मातरम के गान के साथ फिर व्याख्यान हुए। मुझे भी व्याख्यान देना पड़ा। अब लड़कियों के व्यायाम का प्रदर्शन शुरू हुआ। दंड बैठक, डंबल, मुदगर, सभी तरह की कसरतें हुई। उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने हर्ष से तालियां पीटी। मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, चचा वाकई हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की हो रही है। भतीजे की बात तो मैंने सुनी लेकिन मैं खामोश रहा। इतने में ही 2 लड़कियां हाथ में लाठियां लिए हुए स्टेज पर आ गईं। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया और लाठियां चलने लगी। किस जोर के साथ वार हो रहे थे और किस सफाई के साथ वार बचाए जा रहे थे। चारों तरफ वाह वाह हो रही थी, लोगों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। और मेरे भतीजे बड़े गौर से ये द्वंद्व युद्ध देख रहे थे।
बीच बीच में बड़े जोश के साथ शाबाश वो मारा खूब बचाया के नारे भी लगाते जाते थे। मैंने एक आध बार उन्हें टोका भी कि इतना शोर ना करें तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वाह चाचा आज तबीयत खुश हो गई। इस खुशी को जाहिर करने से कोई मुझे कैसे रोक सकता है। व्यायाम प्रदर्शन समाप्त हो गया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टेज पर पर्दा गिरा। अनाउंसर ने पुकारा, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, 5 मिनट तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन मैं अपने भतीजे की याददाश्त की दाद देता हूं, इस प्रदर्शन के उत्साह और उमंग में उन्हें यह बात नहीं भूली कि उनकी भावी पत्नी महिला विद्यालय में पढ़ती है और उसे देखना उनका मुख्य उद्देश्य है। पर्दा गिरते ही उन्होंने मुझसे कहा, चचा अब पता लगाया जाए अपनी होने वाली के संबंध में। जरूर, अभी 5 मिनट का वक्त है, मैंने कहा। इस बीच में लड़कियों का एक गिरोह स्टेज से उतरकर दर्शकों की कुर्सियों के पास आकर खड़ा हो गया। एक लड़की जो पिछले पटा बनेठी के प्रदर्शन में भाग लेकर आई थी पास में ही खड़ी थी, उसकी लाठी अब भी उसके हाथ में थी। हृष्ट पुष्ट लंबी सी लड़की, रंग सुनहरा, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर भरपूर स्वास्थ्य की लाली। भतीजे ने उससे पूछा, आपके विद्यालय में माया नाम की कोई लड़की बीए में पढ़ती है? वो लड़की तनकर खड़ी हो गई और उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ते हुए कहा, जी हाँ मैं ही हूँ महामाया, आपको मैं नहीं पहचानती, कहिए आपको मुझसे क्या काम है? वाह रे मेरे भतीजे, किस खूबी के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपके भाई प्रभानाथ जी का मैं मित्र हूँ, आपके गुण गाते वो नहीं आगाते, इसीलिए आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई। तो अब आपने कर लिए मेरे दर्शन? मेरे भाई की आप जैसे लोगों से दोस्ती है इसका मुझे दुख है, अब की जब मुझे मिलेंगे तब उन्हें आड़े हाथों लूंगी। और वो वहां से हट गई। इस प्रदर्शन से लौटकर पहला काम जो मेरे भतीजे ने किया वो एक पत्र लिखना था, जो अपने होने वाले ससुर के नाम लिखा गया था। पत्र लिखकर उन्होंने मुझे दिखाया, पत्र इस प्रकार है। महोदय, पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, फिर मैं काम की बात लिखूंगा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करके मुझ नालायक को, क्योंकि एमए में 3 साल से मैं फेल हो रहा हूं, अपना दामाद बनाने का निर्णय किया है। 2 महीने बाद मेरा विवाह होने वाला है, तो इतना परिचय काफी होगा। इतना और बतला दूं कि मैं हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी हूं, मेरी ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल का कप्तान हूं। यहां तक ये बतला देना अनुचित ना होगा कि मैं काफी बिगड़ेल और गुस्सेल भी हूं। फुटबॉल फील्ड पर खेल के समय अक्सर विपक्षियों के साथ मेरी घोसेबाजी हो जाया करती है और कभी कभी तो 2-4 के लिए मैं अकेला ही काफी साबित होता हूं। मुझे यहाँ महिला विद्यालय में आपकी सुयोग्य सुपुत्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो अप्रतिम सुंदरी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कल ही मुझे आपकी सुपुत्री के पटा बनेठी के हाथ देखने को मिले और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसकी बहादुरी और उसके साहस से मेरे छक्के छोड़ गए। अब मैं काम की बात पर आता हूँ। मैंने बहुत गौर किया, मैं अपने आप को आपकी सुपुत्री का धर्मपति बनने के सर्वथा अयोग्य पाता हूँ। इसका कारण भी मैं आपको बतला देना उचित समझता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं आदमी गुस्सेल हूँ और हाथ छुट भी, लिहाजा आपकी सुपुत्री से मेरा झगड़ा कभी ना कभी अवश्य होगा और ऐसी हालत में मेरा हाथ भी अपनी आदत के अनुसार छूटेगा। यहां मैं ये भी बतला दूं कि मैंने जिंदगी में लाठी कभी नहीं चलाई, पटा बनेठी के हाथों से मैं अपनी रक्षा किसी हालत में नहीं कर सकता और ये भी जानता हूं कि आपकी वीर और बहादुर सुपुत्री अपनी शिक्षा का उपयोग अवश्य करेगी, लिहाजा उसकी लाठी और पटा बनेठी के हाथों से मेरी खोपड़ी सुरक्षित नहीं रह सकती।
सुधार घर से ही शुरू होते हैं और बाहर के गुंडों की खोपड़ी तोड़ने के पहले उसे घर के अंदर वाले गुंडे की खोपड़ी तोड़ने का मौका मिलेगा। और आप समझ ही सकते हैं कि अपनी खोपड़ी तोड़वाने के लिए कोई समझदार आदमी तैयार नहीं होगा। यहाँ मैं आपको एक अमूल्य सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी सुपुत्री का विवाह किसी ऐसे वर के साथ करें जो मरियल हो, दब्बू हो और आपकी सुपुत्री का फरमाबदार बन सके। इस हालत में अपने पति की और अपनी रक्षा करने के लिए आपकी सुपुत्री अपने पटा बनेठी के हाथों का सार्थक उपयोग कर सकेगी। आपका चरण सेवक। कथा सुधा में आज आपने सुनी भगवती चरण वर्मा लिखित हास्य कहानी पटा बनेठी। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, रेणु चतुर्वेदी, जुबैर खान, नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो भाई ये हम लोगों ने कहानी तो सुन ली, कथा सुधा की मजेदार कहानी जी। और होली का रंग तो जम गया, अब जरा गाने का रंग जमा दिया जाए। बिल्कुल। सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे तेरे ये हंसी अंदाज, सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे। ये सोच लिया था पहले ही तुम्हें अपना बना कर छोड़ेंगे। अब राहें जिंदगी की हो जाएंगी सहल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आतुर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल। बीत न जाए बातों में, ये हंसता हुआ रंगीन समा कहीं बीत न जाए बातों में। ऐ जान वफा तकदीर मेरी है आज से तेरे हाथों में।
भाई ये रंग भरे बादलों के बीच में ये जो कथा सुधा का जो रस बहा है ना, तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि बिल्कुल 100% मनोरंजन, होली का सोमवार बहुत मजेदार वसूल हो गया। क्या बात है। कथा सुधा 24 कैरेट गोल्ड। जी श्याम, रेणु जी, सबको वंदन, आभार। क्या बात है। और इनका भी आभार प्रकट करते हैं। और देखिए, यातायात के नियमों के बारे में हमारे सखा लिखते हैं कि जिसका पालन सभी को करना चाहिए। लिखते हैं कि हम सब धैर्य पूर्वक वाहन चलाना सीखें। 18 साल के बच्चे के पहले बच्चों को वाहन ना दें। एक शिस्त में चलें। सीट बेल्ट हेलमेट ना भूलें, आप जरूर लगाएं और बेल्ट बांधें, हेलमेट लगाएं। फोन ना चलाएं। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। ओवर स्पीड ना करें। ओवरटेक करते वक्त सावधान रहें, बल्कि ओवरटेक ना करें, ध्यान रखें। और वरना वाहन एक राक्षस साबित हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। मतलब उस पर नियंत्रण छूट सकता है किसी भी समय और वाहन आप पर हावी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाली है। और वाहन की गति को नियंत्रण में रखना चाहिए। और जब भी आप वाहन निकालें तो उसको ब्रेक वगैरह सब उसके चेक कर लें और पेट्रोल हवा सभी चीजें देख कर ही निकालें। सर्विसिंग भी आप समय पर कराएं और साथ में कभी भी नशे में वाहन ना चलाएं। और गाड़ी जब नशा करें ही क्यों, हाँ वो तो है ही कि वो तो आप ना करें तो बहुत अच्छी बात हम तो कहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें इस चीज का। और गाड़ी मुड़ते समय इंडिकेटर का भी सही से उपयोग करें, हॉर्न सही समय पर बजाएं और गलत दिशा में गाड़ी कभी भी नहीं चलानी चाहिए। और वो जो बोर्ड्स लगे होते हैं ना सड़कों पर, उनको जरूर ध्यान से देखें, उनको नजरअंदाज ना करें और उनका पालन करें। बिल्कुल, जैसा लिखा हो जो भी ओवर स्पीडिंग हो या ओवरटेकिंग जो करने की आदत होती ना, ओवरटेक करना बार बार या बहुत ज्यादा हॉर्न बजाना, उन सब को थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। जरूरत पे बजाए हैं ना, जरूरत पे। और जो सड़क पर स्टंट करते हैं वो भी ना करें। और साथ में जो पैदल चल रहे होते हैं उनको भी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। ट्रैफिक लाइट का भी ध्यान रखना चाहिए और दाई बाई तरफ देख कर ही सड़क को पार करना चाहिए। और भाई फुटपाथ पर मत चढ़ जाएं, अगर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो तो ये ना जल्दबाजी में फुटपाथ पर लोग कुछ चढ़ा देते हैं, खासतौर से जो दुपहिया वाहन वाले होते हैं वो फुटपाथ पर से निकाल ले जाते हैं। तो अरे जरा सा पैदल चलने वालों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल रखें। और जो कभी कभी ओवर ब्रिज से जा रहे हो तो बीच में हल्का सा रास्ता कटा है, आप वहीं से आप गाड़ी मोड़ने लग जाते तो वो चीजें भी नहीं करनी चाहिए। और अपने वाहन पर दो सवारी बैठाने के लिए कहा गया है तो आप उतनी ही सवारी लेकर जाएं और दोनों की हेलमेट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, है ना। चलो भाई, होली के बारे में कुछ संदेश और है कि इंदौर का गेर बहुत प्रसिद्ध है। हजारों लोग पुराने शहर में जुटते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगे यंत्रों से रंगों द्वारा बौछार की जाती है। तो चलो भाई, हमने भी इसका आनंद ले लिया है। और एक लिखती है कि हमारा शहर जयपुर, जो कि छोटी काशी के नाम से विख्यात है, यहाँ की होली तो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ शहर में महीने भर से फाग उत्सव का धूम और घरों में मंदिरों में फूलों की होली का उत्सव मनाया जाता है। और शहर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में भी अनूठे तरह से होली मनाई जाती है और इसे देखने के लिए देश नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं, है ना। तो भाई होली तो ऐसा ही त्यौहार है, आपको आह्लाद से भर देने का, उत्साह से भर देने का, उमंग से भर देने का त्योहार है। और ये उमंग, ये उत्साह, उल्लास के रंग हमेशा आपके जीवन में रहे, यही शुभकामना है राजुल और मंजरी की। तो अब दीजिए इजाजत आप सभी को। मंजरी और का राजुल का नमस्कार। सखी सहेली।